नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हल्की ठंडी के लिए बच्चे के लिए कैप वाला बहुत ही सुंदर झबला बनाना बता रही हूँ। आप भी इसको बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। जैसे हल्की ठंडी रहती है तो हम ज़्यादा वुलन कपड़ा बच्चे को नहीं पहना सकते, इसमें कैप रहेगा, आप इसमें चैन लगा सकते हैं या फिर बटन वगैरह जो आपकी मर्जी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये बहुत ही कम कपड़े में बन जाता है। ये हमने सूट पीस में से बचा हुआ कपड़ा लिया है। तो इसके लिए 11 इंच हम इसकी विड्थ रखेंगे और 14 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। इसको चार लेयर में फोल्ड करेंगे। टू इंच पे मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 इंच पे, आर्म होल के लिए 4 इंच पे थोड़ा सा राउंड देके इसको मिला देंगे। पहले आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। नेक पे हल्की सी हमें कट देना है बस उसके पहचान के लिए। अब दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे, आगे और पीछे के दोनों पार्ट को। अब हम लेंगे आगे का पार्ट, इसमें 1 इंच पे मार्किंग करके नेक की डीप देंगे। फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन में आपको कैप वाला चाहिए, स्लीवलेस या फिर कुछ और, तो वो भी आप बता सकते हैं। अब हम इसकी कैप की कटिंग करेंगे। डबल कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है। इसकी 8 इंच लेंथ और 7 इंच विड्थ लेंगे। 8x7 का कपड़ा कट कर लेंगे हम। ये इसकी कैप हो गई है। अब हम लेंगे इसकी स्लीव्स के लिए 4 लेयर में कपड़ा रखेंगे। फ्रंट से हम इसमें लेंगे 4 इंच और आर्म होल के लिए 2 इंच पे अंदर की साइड कपड़ा निशान लगा करके उसको ऊपर मिला देंगे, इससे राउंड आ जाएगा। लेंथ इसकी है 10 इंच। अब आगे और पीछे दोनों को हिस्से लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाले हिस्से को रेडी करेंगे, इसमें बीच में कट लगाएंगे। फ्रंट वाले हिस्से को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हम एक पट्टी लगाएंगे जो राइट तरफ लगा करके अंदर की तरफ हमको मोड़ देनी है। अब लेफ्ट साइड में लगाएंगे। लेफ़्ट साइड में 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, उसको डबल करेंगे और हम उसके अंदर की साइड से लगाएंगे पहले, यानी कि उसके उल्टे साइड से अटैच करेंगे और उसको फिर राइट साइड में हम मोड़ देंगे इस प्रकार से। आगे का हिस्सा रेडी है। अब हम आगे और पीछे दोनों के पार्ट लेंगे और शोल्डर्स को अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी आर्म्स को लगाएंगे। पहले हम आगे की उसकी सिलाई कर लेंगे और उसके बाद दोनों स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम इसकी कैप रेडी करेंगे। इसको इस प्रकार से रख लेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ लेंगे और एक साइड में सिलाई लगा देंगे जिधर हमने 7 इंच लिया था। अब इस साइड में जो अटैच होगा नीचे उसमें 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक पट्टी लेंगे
जिसमें हम डोरी डालेंगे उसके लिए इसको बना रहे हैं। राइट साइड में अटैच करके अंदर की साइड मोड़ेंगे। ये पट्टी नीचे से हाफ इंच ऊपर ही रहना चाहिए। अंदर की साइड मोड़ करके सिलाई लगा देंगे। कैप कंप्लीट है। अब हम इसको अटैच करते हैं। अब फ्रंट वाले हिस्से में जो बीच में हमने कट लगाया था उसके एक सिरे से लेके दूसरे छोर तक हमको इसे अटैच करना है। जो बैक साइड में है उसके बिल्कुल सेंटर में जा करके हमें दो छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है इसमें। इसे कैप जो है बांधने के बाद खींचती नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है इस प्रकार से लगाने पर। कैप अटैच हो गई है। इसके बाद हम करेंगे साइड की सिलाई, स्लीव से लेकर के और नीचे तक। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ड्रेस लग रही है बेबी की। अब नीचे की साइड से हम इसकी हल्के सी तुरपाई करेंगे, मोड़ करके सिलाई लगा देंगे इसमें भी। ये एक हमने डोरी ले ली है, अब इसको कैप में डालेंगे। कैप में डालने के बाद हम दो छोटे छोटे मनके लेंगे, उसमें डोरी को डाल करके सामने में दो तीन नॉट्स लगा देंगे। दूसरी साइड में भी मनके भी रेडी हो गए हैं, कैप भी रेडी है। अब जो आगे का हिस्सा है उसमें आप चेन अटैच करें जो नीचे से खुल और बंद हो सकती है, या फिर आप इसमें बटन चिट बटन जो लगा सकते हैं।